शिट, ये तो वही है कॉटन वाला कपड़ा सा, कहाँ रख दिया मम्मा ने। ये ना गर्ल्स की प्राइवेट बात होती है, पापा से तो बिल्कुल भी नहीं करनी। इतना पेन क्यों हो रहा है पेट में? हाँ ओह शिट, ये तो वही है, फिर से स्टार्ट हो गए। मम्मी भी घर पे नहीं है। फोन भी यहीं पे भूल गए। लेकिन पापा घर पे हैं। अगर अगर वो मेरे कमरे में आ गए तो? मम्मी ने कहा था कि पापा को कुछ भी नहीं बताना है। कॉटन वाला कपड़ा सा कहाँ रख दिया मम्मा ने? उधर चेक करती हूँ। Oh God, please save me. ये दरवाजा क्यों बंद है? गुरनूर, गुरनूर बेटा, दरवाजा क्यों बंद है? जल्दी आओ अंदर। क्या हुआ बेटा, तूने अपनी ऐसी हालत क्यों बना रखी है? क्या हुआ बेटा, तू कब से ऐसे बैठी है? पिछले एक घंटे से आपके वेट कर रही थी। जो आपने पिछली बार कॉटन का कपड़ा दिया था वो भी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं मिला। और पेट में भी बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रही थी। अरे बेटा, अगर मैं घर पर नहीं थी तो अपने पापा से मांग लिया होता। लेकिन आपने ही तो कहा था कि पापा को ये बात बिल्कुल शेयर नहीं करनी है। गुरनूर बेटा देख, अब तो बड़ी हो चुकी है, अब वो टाइम आ गया है कि जब मैं तुम्हारे साथ सारी बातें खुलकर कर सकूं। आज जो तुम्हारे साथ हुआ ना, वो एवरी मंथ होगा। घबराना नहीं, ये हर फीमेल के साथ होता है, इट्स अ नेचुरल बेटा। लेकिन इसके कुछ डू एंड डोंट्स हैं, जैसे कि जब भी तुम्हें ये प्रॉब्लम हो ना, तुमने डायरेक्टली मम्मा को आकर बताना है, किसी भी मेल से कोई बात नहीं करनी इस बारे में, ठीक है मेरा बच्चा? पापा को भी नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पापा से तो बिल्कुल भी नहीं करनी ये बात। ये ना गर्ल्स की प्राइवेट बात होती है, समझ गए? जी मम्मा। गुड गर्ल बेटा। लेकिन बेटा इसमें ना कभी कभी तुम्हारी टमी में पेन होगा, कभी कभी तुम्हारी बैक एक होगी, कभी कभी तुम्हारी लेग्स में भी पेन होगी,
लेकिन घबराना नहीं, मेरी गुरनूर को स्ट्रॉन्ग गर्ल बनना है। ओके बच्चा? मेरा स्ट्रॉन्ग बच्चा। गुरनूर बेटा, काश मैंने तुम्हें उस दिन ये भी बताया होता कि इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। कभी कभी लाइफ में ऐसे भी सर्कमस्टांसेस होते हैं कि आपको इस बात को शेयर करना पड़ सकता है। आई एम सॉरी बेटा, आज मेरी वजह से मेरी बच्ची को इतना तड़फना पड़ा, इतना दर्द सहना पड़ा। मेरा बच्चा, सॉरी बच्चा। एक काम कर, तू अभी मेरे साथ चल और चेंज कर ले, मैं तुम्हें सैनिटरी नैपकिन देती हूँ। अगर ये वीडियो दिल को छूके गई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों में ये मैसेज पहुँचाएं कि माँ बाप से कोई भी पर्दा नहीं होना चाहिए। शुक्रिया।